भीषण गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति की समस्या को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 मई को जयपुर में जल पंप घरों का औचक निरीक्षण किया। आईएमडी के मुताबिक जयपुर में आज अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करते हुए उन्होंने कहा, यह गर्मी का मौसम है और मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार ने राजस्थान को धोखा दिया। गर्मी का मौसम है और हम कह सकते हैं कि राजस्थान के साथ जैसा पिछली सरकार ने धोखा दिया है कि जेजेएम की बहुत बड़ी बड़ी योजना आई थी। अगर मैं कहूं कि हर संभाग में हर जिले में जितना पैसा दिया इस सरकार ने कहीं नहीं लगाया, अगर वो पैसा भी लगाया तो भ्रष्टाचार में लगाया। मैं देख सकता हूं आज जनता की किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो, आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी जो प्रभारी हैं, सेक्रेटरी प्रभारी जो हमारे लगाए हैं वो 2 दिन के दौरे पर हैं। आज मैं भी जयपुर में था तो मेरे को लगा कि पानी की परेशानी है तो कहीं ना कहीं जाकर के देखना चाहिए कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैंने 2 पंप हाउस देखे हैं, दोनों पंप हाउसों में विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और उन्होंने पानी की सप्लाई पूरी तरह से वो हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और ये निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से पानी की कोई कमी नहीं रहे। किसी भी स्थिति में है, हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है।